हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं हूँ इरफान। आज का ये वीडियो आप लोगों के डिमांड के ऊपर है। दोस्तों, आप लोग जो भी कमेंट करते हो कमेंट बॉक्स में, चाहे कमेंट मेरी तारीफ़ में हो या मेरी बुराई में, पढ़ता मैं सभी कमेंट हूँ। तो उसी कमेंट में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सर हेवी साइज कोट का कटिंग का वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को हेवी साइज और हेवी स्टमक कोट का कटिंग का फॉर्मूला एक एक पॉइंट के साथ में बता रहा हूँ। मेजरमेंट है लंबाई 32 इंच, शोल्डर 21 इंच, चेस्ट सीना है 51 इंच, स्टमक यानी कि पेट है 54 इंच, हिप है इसका 52 इंच, कॉलर है 18 इंच, स्लीव लेंथ है 26 इंच और स्लीव का विड्थ है 12 इंच। तो ये मेजरमेंट है दोस्तों। इस मेजरमेंट का इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप कोट कटिंग करना सीखेंगे। SB2 बटन, सिंगल ब्रेस्ट 2 बटन कोट, जिसके लिए मैंने कपड़ा लिया है 2.25 मीटर 2.25 सेंटीमीटर। देखो, यहाँ ऊपर से 1 इंच कपड़ा छोड़कर इसको स्ट्रेट कर लेना है, सीधा मार्क कर लेना है। अब इस वाले मार्क पे मेजरमेंट टेप को ऐसे रखेंगे और चेस्ट सीना है इसका 51 इंच, तो आर्म होल डाउन करेंगे 11 इंच और यहाँ से 2.25 इंच ऊपर एक मार्क लगाएंगे 1 इंच 3/4। इस वाले मार्क पे बैक कट होगा और ये जो मार्क है ये फ्रंट कट होगा। लंबाई है इसका 32 इंच और इसमें हम मार्जिंग रखेंगे 1.5 इंच। आप ये मार्जिंग 2.25 इंच 2 इंच, इसको मार्जिंग जो है ये कम ज़्यादा आप कर सकते हो अपने हिसाब से। मैंने 1.5 इंच का मार्जिंग रखा है। अब यहाँ स्टमक डाउन करेंगे तो लंबाई है 32 इंच, 32 का आधा करेंगे 16 इंच और 2 से 2.5 इंच प्लस करके स्टमक का सेंटर का मार्क लगाना है। तो लंबाई का आधा 16, 2 इंच हम प्लस कर रहे हैं 18 इंच, 2.5 इंच प्लस करके 18.5 इंच पर भी मार्क लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है इससे। अब ये सभी मार्क स्ट्रेट कर लेना है। अब दोस्तों, यहाँ से मार्क लगाना है 1 इंच 1 इंच और यहाँ मार्क लगाएंगे 1.5 इंच, यहाँ से 2 इंच और यहाँ भी 2 इंच। इस वाले मार्क को यहाँ तक स्ट्रेट करेंगे। यहाँ इसको ऐसे शेप करेंगे स्केल को पलट के और यहाँ भी इसको ऐसे शेप कर देंगे। यहाँ से कॉलर का हाला का मार्क लगाएंगे तो जितना भी नेक है उसको 5 से डिवाइड करके यहाँ मार्क लगा लेना है। कॉलर है 18 इंच, 18 का 5वां हिस्सा करेंगे 3.5 इंच 3.5 इंच। यहाँ से 1 इंच ऊपर उठाएंगे 1 इंच अप और यहाँ से 2 सूत डाउन कर देंगे ऐसे। अब यहाँ से हम शोल्डर का मार्क करेंगे तो शोल्डर है 21 21 इंच, 21 का आधा करेंगे 10.5 इंच और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन। अब ये वाला जो स्ट्रेट मार्क है, सीधा मार्क, इसको यहाँ जितना ये है उतना ही यहाँ पर ऐसे रखना है और क्रॉस बैक इसमें हम माइनस करेंगे 0.5 इंच 1/2 इंच। अब यहाँ से हम शोल्डर डाउन करेंगे तो यहाँ 1 इंच हमने ऊपर उठाया है तो 1 इंच यहाँ से ऐसे रखेंगे और शोल्डर डाउन करेंगे 2 इंच 2 इंच। अब यहाँ से सिलाई के लिए 0.5 इंच मार्जिंग, 0.5 इंच का मार्जिंग रख लेना है। अब यहाँ से ऊपर से सिलाई का मार्जिंग छोड़कर
इसको हाफ कर लेना है, एक बीच सेंटर लगा लेना है ऐसे। अब यहाँ से स्टमक को 6 से डिवाइड करके हाफ इंच स्टिचिंग के लिए मार्जिन ऐड करना है। तो पेट का मेजरमेंट है 54 इंच, 54 का छठा हिस्सा होता है 9 इंच, 9×54 और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन 9.5 इंच। अब यहाँ से ऐसे 9.5 इंच, ये 9.5 इंच यहाँ मार्क लगा लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ हम आधा से 1.25 इंच प्लस करते हैं, हम उसमें प्लस करते हैं जिसका पेट कम है और हिप ज़्यादा है। लेकिन इस मेज़रमेंट में पेट है 54×54 इंच और हिप है 52 इंच, तो पेट ज़्यादा है। तो पेट ज़्यादा हो और हिप कम हो तो फिर यहाँ प्लस नहीं करना है, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ से मार्क लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ 9.5 इंच हमने मार्क लगा लिया है, यानी कि जितना यहाँ है 9.5 इंच उतना ही यहाँ से हमने मार्क लगाया है, यहाँ हमने प्लस नहीं किया है। अब यहाँ से यहाँ तक इसको स्ट्रेट कर लेना है, एक सीधा मार्क लगाना है और यहाँ जो है ज़्यादा शेप नहीं आएगा, बट जितना आएगा उतना ही जैसे स्केल बैठेगा वैसे स्केल को यहाँ बैठाकर मार्क लगा लेना है। अब यहाँ से हम चाक बनाने के लिए मार्क लगा लेंगे साइड वेंट का। तो यहाँ से इसमें हम चाक बनाएंगे 8 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, यहाँ से मार्जिन रखेंगे 1.25 इंच और यहाँ भी 1.25 इंच। तो बैक का मार्क हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसको हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोट का पैटर्न खरीदना चाहते हो, कोट का पैटर्न परचेस करना चाहते हो, तो आप IRF स्टूडियो चैनल से, यानी मेरा जो कोट का पैटर्न है, कोट का फर्मा है, वो आप खरीद सकते हो, परचेस कर सकते हो, अपने एड्रेस पर मंगवा सकते हो। ये व्हाट्सअप नंबर है 7975798748, इस नंबर पर आपको कॉल करना है या फिर मैसेज करना है। बहुत लोग मुझे फ़ोन करते हैं और वो पेमेंट करने में हिचकिचाते हैं, उनको लगता है कि अगर मैं पेमेंट कर दूंगा तो सर पैटर्न भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि आप अगर मुझे पेमेंट कर देते हो तो आपका जो पैटर्न है जिसके लिए आप मुझे पेमेंट करोगे वो पैटर्न आपके एड्रेस पर गारंटी पहुँचेगा, 100% पहुँचेगा। तो आप अपने मन में ज़रा सा भी ये मत सोचना कि यहाँ फ्रॉड हो जाएगा या अगर मैं पैसे पे कर दूंगा तो मुझे पेमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपके दिए हुए एड्रेस पर मैं पैटर्न भेज दूंगा, तो इतना तो मुझ पर ट्रस्ट कर ही सकते हो। अब मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ। तो ये बैक का कटिंग हो चुका है, अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे, सामने की कटिंग। फ्रंट कट करने के लिए बैक को यहां नीचे से 1 इंच कपड़ा छोड़कर, यानी 1 इंच ऊपर रखना है और यहां साइड से बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, एकदम सीधा। तो इस तरह से यहां नीचे से 1 इंच कपड़ा छोड़कर रखना है और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे सीधा बैक को रख देना है और ये सभी मार्क लगा लेना है। और यहाँ साइड से भी 1 से 1.5 इंच कपड़ा छोड़कर स्ट्रेट कर लेना है। अब यहाँ से चेस्ट को 4 से डिवाइड करना है। तो सीना है 51 इंच, 51 का चौथा हिस्सा होता है 12.5 इंच। तो ये चेस्ट का फोर्थ हो गया, सीना का चौथा हिस्सा
अब यहाँ से हम फ्रंट माइनस करेंगे यानी कि तख्ती माइनस करेंगे, तो 51 इंची चेस्ट है तो इसमें कम से कम 1.25 इंच फ्रंट माइनस कर देना है। ये तख्ती माइनस 1.25 इंच, 2 इंच भी करेंगे तो चलेगा, कम से कम 1.25 इंच करना ही करना है। तो यहाँ से 1.25 इंच कम कर देना है और इस वाले मार्क को यहाँ ऊपर स्ट्रेट कर लेना है। अब इस वाले मार्क से यहाँ से 2 इंच प्लस कर लेना है। छोटे साइज में हम 1.25 इंच प्लस करते हैं, बिग साइज है हेवी साइज तो इसमें यहाँ से 2 इंच बढ़ा लेना है। ठीक है, ये 2 इंच हमने प्लस कर लिया। अब देखो छोटे साइज में तो यहाँ से हम 1/4 हिस्सा लगा लेते हैं सीना का, लेकिन जब बिग साइज हो हेवी साइज हो तो फिर फार्मूला चेंज हो जाता है। अब ये टोटल जितना है यहाँ उतना ही यहाँ ऐसे रखेंगे और उसमें 1 इंच माइनस करेंगे, 1/4 इंच भी करेंगे तो चलेगा, यानी 1/4 से 1 इंच माइनस कर देना है। यहाँ भी सेम 1 इंच कम। अब यहाँ से हम वेल्स पॉकेट का मार्क लगाएंगे वॉलेट पॉकेट का, तो डिस्टेंस रखेंगे 1.25 इंच, वॉलेट पॉकेट बनाएंगे यहाँ से 4.5 इंच, 4.5 इंच इसका एक आधा करेंगे 20 सेंटर 2.25, यहाँ से 1/2 इंच ऊपर उठाएंगे और यहाँ से वेल्स पॉकेट का चौड़ाई रखेंगे 1 इंच 1 इंच, यहाँ से भी 1 इंच। अब यहाँ आना है, यहाँ से 1/4 इंच यानी कि 3/4 नीचे मार्क लगाना है, ये लेंथ का मार्क होगा और मेजरमेंट टेप को ऐसे ही रखना है और यहाँ से लेंथ का 1/3 लगाना है, लंबाई का 1/3 हिस्सा, तो लंबाई है 32 इंच, 32 का 1/3 हिस्सा करेंगे तो ये आएगा लगभग 1.25 इंच, 11 * 33 होता है, 32 है लंबाई, ये 1.25 इंच पर हम मार्क लगा रहे हैं ऐसे। ये यहाँ नीचे से लास्ट काज बटन और यहाँ से अब लंबाई इसका 32 है तो यहाँ से हम 5 इंच पे मार्क लगाते हैं, 5 इंच पे, ये 2 बटन का कोट है, 2 बटन, तो ये 2 बटन का मार्क हो गया। ठीक है, यहाँ से 1/2 इंच ऊपर एक मार्क लगाना है 1/2 इंच। अब यहाँ हम पॉकेट का मार्क लगाएंगे, तो ये जो वॉलेट का 20 सेंटर है और ये जो स्ट्रेट मार्क है इसको मेजरमेंट करना है और यहाँ ये जितना है उतना ही यहाँ लगा लेना है ऐसे। यहाँ से 1 इंच अंदर एक मार्क लगाना है। यहाँ से 1/4 इंच हम इसमें पेट डार्ट निकालेंगे, तो 3/4 1/4 इंच पे ऐसे मार्क लगाकर और इस वाले मार्क को यहाँ इसमें ऐसे मिला देना है। यहाँ हम फ्लाप का मार्क लगाएंगे 2 इंच, और अब यहां से एक मार्क लगाना है 2.5 इंच पर, 2.5 इंच। अब दोस्तों क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम मार्क लगाएंगे 1.5 इंच पे, 1.5 इंच, नॉर्मल हम 1 इंच लगाते हैं, यहाँ हमने 1.5 इंच लगाया है। क्यों? क्योंकि स्टमक इसका पेट है 54 इंच और चेस्ट सीना है 51 इंच, 3 इंच का डिस्टेंस है, 3 इंच का फ़र्क है, तो यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क लगाना है, 1.5 इंच। और यहाँ से दोस्तों हम ऐसे शेप करते हैं, लेकिन इसका पेट वाला है, स्टमक है, तो इसमें कम शेप देना है, ज़्यादा शेप नहीं देना है। यहाँ से स्केल को ऐसे पलट के, अब यहाँ हम लूजिंग का मार्क लगाएंगे, तो हिप में लूजिंग रखेंगे यहाँ से 4 इंच, 4 इंच पे मार्क लगाएंगे और यहाँ से मार्क लगाएंगे 4.5 इंच स्टमक में, 4.5 इंच, यहाँ से ऐसे मार्क लगाना है और यहाँ से मार्क लगाना है 4.5 इंच, 4.5 इंच,
अब यहाँ से हम इसको ऐसे मेज़रमेंट कर लेंगे, ये 9.5 इंच है, 9.5 इंच। तो यहाँ से इस वाले मार्क में ऐसे रखेंगे और यहाँ हिप का आधा लगाना है, हिप का हाफ। तो हिप है इसका 52 इंच, 52 का आधा करेंगे 26 इंच, 26 दूना 52, ये हिप का हाफ हो गया। अब यहाँ स्टमक को मेज़रमेंट करेंगे, ये है 9.5 इंच, ये टोटल मेज़रमेंट करना है 9.5 इंच। तो इस वाले मार्क में ऐसे 9.5 इंच रखना है और यहाँ स्टमक का हाफ लगाएंगे। तो पेट का मेज़रमेंट है 54 इंच, 54 का आधा करेंगे 54 का हाफ 27, 27 इंच। अब ये जो नीचे वाला मार्क है इसको यहाँ तक मेज़रमेंट करना है, ये 10.25 इंच है, तो 10.25 इंच ऐसे पकड़ लेना है और यहाँ 10.25 इंच ऐसे रखेंगे और यहाँ से चेस्ट का हाफ लगाना है। तो सीना है 51 इंच, 51 का आधा करेंगे 25, 25, 50 और 51, 25.5 इंच, 25.5 इंच, ये चेस्ट का हाफ हो गया। अब दोस्तों यहाँ जो हमने मार्क लगाया हुआ है ये 1.5 इंच है, तो यहाँ से 1.5 इंच प्लस कर देना है, ठीक है। अब ये 1.5 इंच यहाँ आ रहा है, जब हम इसको स्केल को इसमें बैठाएंगे तो ये देखो ये स्ट्रेट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये हमने 1.5 इंच रखा है, यहाँ 0.5 इंच और हम बढ़ा लेते हैं, इसको कर देते हैं 2 इंच, ठीक है, ये 2 इंच हो गया। और इसको जो है यहाँ इसमें इसको मिला देते हैं इसे। इस वाले मार्क को कट कर देते हैं। अब देखो यहाँ हमने 2 इंच पे अप लगाया है, तो यहाँ से 2 इंच ये प्लस कर लेना है। अब ये हमने क्यों प्लस किया है, क्योंकि यहाँ से जो है शेप नहीं देना है, यहाँ से हमको स्ट्रेट गिराना है। ये मैं आपको पूरा मार्क जब लगेगा तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ ये जितना है यहाँ हिप में भी उतना ही मार्क लगा लेना है, ठीक है। ये देखो जितना स्टमक है उतना ही यहाँ इसको भी ऐसे मार्क लगा लेना है। अब दोस्तों क्या हुआ, हिप का मार्क हमने यहाँ लगाया था लूजिंग, लेकिन इसका स्टमक का जो स्ट्रेट है वो यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो हेवी स्टमक वाले में जिसका पेट ज़्यादा हो और हिप कम हो उसमें जो है फार्मूला चेंज हो जाता है। तो आप देखते रहो, मैं आपको एक पॉइंट के साथ बता रहा हूँ। तो अब करना क्या है दोस्तों, यहाँ से तो हमने स्ट्रेट कर लिया, सीधा कर लिया। अब करना यह है कि इसका पेट है 54 इंच और हिप है 52 इंच, 2 इंच का फ़र्क है, 2 इंच का डिस्टेंस का फ़र्क है। तो 2 इंच का चौथा हिस्सा करेंगे तो होता है 0.5 इंच। तो यहाँ से ये 0.5 इंच निकाल देना है। कैसे निकालना है, देखो 2 सूत इधर और 2 सूत इधर, ठीक है, ये 0.5 इंच, ये हमने दोनों तरफ 2-2 सूत निकाल दिया। तो यहाँ से एडजस्टमेंट नहीं होगा हेवी पेट वाले में, यहाँ से हम बिल्कुल स्ट्रेट गिराएंगे और यहाँ से हम निकालेंगे। अब जो ये हिप में लूज हो जाता है वो लूज नहीं होगा, ये जो बीच वाला मार्क पे कट नहीं होगा। अब ये जो हमने दोनों तरफ मार्क लगाया है इस वाले मार्क पे कट होगा। अब यहाँ से क्या करना है, ये देख लो, इस तीनों मार्क को स्ट्रेट कर लेना है, सीधा कर लेना है। इस तरह से यहाँ से जो हमने 1.5 इंच लगाया था तो 1.5 इंच यहाँ आ रहा था, तो ये क्या होता, स्ट्रेट नहीं हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ 0.5 इंच और बढ़ा दिया और यहाँ से स्ट्रेट कर लिया, सीधा कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों इस बैक को यहाँ से ऐसे रख लेना है, ऊपर से ऐसे बराबर करके, और ये जो चाक का मार्क है इस वाले मार्क को यहाँ ऐसे लगा लेना है, ठीक है। ये मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो मार्क है ये यहाँ इसी मार्क पे आएगा, ये फार्मूला ही ऐसा है जिस फार्मूले से मैं आपको कटिंग करना बता रहा हूँ। आपको सिर्फ जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है, बाकी सभी मार्क जो है अपने जगह पर अपने आप ही आएगा। अब दोस्तों यहाँ से 2 इंच पे मार्क लगाना है और यहाँ से 2.5 इंच।
देखो छोटे बच्चे में और बड़े बच्चों में यानी हेवी साइज में फार्मूला जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, चेंज करना ही पड़ता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो इस बात का आप ध्यान रखना है। अब यहाँ दोस्तों देखो, यहाँ हमने पेट डाट निकाला है 1.25 इंच, तो ये 1.25 इंच यहाँ ऐसे मार्क लगा लेना है 3-4, और इस वाले मार्क को यहाँ ऐसे लगाकर, अब यहाँ से हम इसको कटिंग करेंगे तो 1 इंच मार्जिन छोड़ के कट कर लेंगे। अब यहाँ दोस्तों एक काम करना है, देखो यहाँ से इसको ऐसे यहाँ लाकर मिला देना है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, इसका पेट ज़्यादा है और हिप कम है और चेस्ट भी कम है, तो पेट वालों में यहाँ से जो है 1/2 इंच, देखो 1/2 इंच आप ऐसे मार्क लगा लो, यानी यहाँ से हम पेट का शेप बनाएंगे जिससे पेट में टाइट नहीं होगा। इस वाले मार्क को हम ऐसे लगा देते हैं आपको समझाने के लिए। अब यहाँ से हम इसमें मार्क लगाएंगे 1.25 इंच पे, 2 इंच भी लगा सकते हो, चलो यहाँ से मैंने 1.25 इंच पे लगाया है। और यहाँ से अब देखो यहाँ ये वाला जो मार्क है, ठीक है, अब यहाँ इसको फॉलो करना है, ठीक है, इसको छोड़ देना है, इसको फॉलो करना है। ये सिर्फ आपको हेवी स्टमक वालों में करना है जिसका चेस्ट कम है, हिप कम है और पेट ज़्यादा है। और अब यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक स्केल को ऐसे रख के इसको मार्क लगा लेना है। इस वाले मार्क को कट कर देना है, यहाँ से इसको बॉटम राउंड कर देना है, दामन में गोलाई कर देना है, यहाँ नीचे बॉटम में मार्जिन रख लेंगे 1.5 इंच, क्योंकि बैक में हमने 1.5 इंच रखा था, तो जितना बैक में मार्जिन रखा है उतना ही फ्रंट में भी मार्जिन रख लेना है। अब दोस्तों यहाँ आना है, यहाँ से इसको हाफ करना है, ठीक है, इसका 20 सेंटर निकालना है और 1/2 इंच प्लस कर लेना है, तो ये 11 इंच है, 11 का आधा करेंगे 5.5 और 1/2 इंच प्लस कर लेंगे, यहाँ ऐसे भी देख लो आप, इसका ऐसे हाफ करना है और 1/2 इंच प्लस कर लेना है। अब यहाँ से 3-4 1/4 इंच अंदर एक मार्क लगाना है। अब यहाँ से और यहाँ ये जो 1/2 इंच हमने ऊपर लगाया है, यहाँ इसको ऐसे मिला देना है। और अब यहाँ से 1/2 इंच ऊपर उठाना है, 1/2 इंच अप, ठीक है, और शोल्डर डाउन किया था हमने 2 इंच, तो यहाँ से 2 इंच पे मार्क लगाना है, यहाँ भी 1/2 इंच ऐसे रखेंगे और शोल्डर डाउन 2 इंच, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ इस वाले मार्क पे और ये आएगा यहाँ इस वाले मार्क पे, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर कम कर देंगे, माइनस कर देंगे 1 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि बैक में जो है वो 1 सेंटीमीटर का नम देना है, फुलनेस देना है, जिसको धमक भी बोलते हैं, इसलिए 1 सेंटीमीटर जो है कम कर देना है। और अब यहाँ से इसको ऐसे मार्क लगा लेना है, यहाँ से 1 इंच ऊपर ऐसे मार्क लगा लेना है, और इस मुंडा स्केल से पहले हम यहाँ ऐसे गोलाई करेंगे, और अब यहाँ इसको यहाँ से हम डाउन करेंगे 3.25 इंच, 3 इंच 1/4, और अब इसको यहाँ इसमें ऐसे मिला देना है। अब यहाँ से हम लेपल का चौड़ाई रखेंगे, लेपल का ब्रॉडनेस, तो इसमें हम लेपल चौड़ा रखेंगे 3 इंच 3 इंच, आप ये कम ज़्यादा कर सकते हो, मैंने 3 इंच का रखा है। और अब इसको यहाँ से इसमें शेप कर देना है। यहाँ से हम इसमें पिक बनाएंगे 1.5 इंच, तो ये 1.5 इंच का पिक का मार्क हो गया।
यहाँ से सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ के कटिंग करना है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट टू में मैंने आप लोगों को इसका स्लीव कटिंग करना बताया है। इसका बाजू का जो कटिंग है वो पार्ट टू में मैंने आपको बताया है। वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन के ऊपर वीडियो में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।